लोकसभा और राज्यसभा के मेरे सम्मानित सांसद साथी मानिक टैगोर जी, राजीव सातव जी, गौरव गोगई जी, जसबीर गिल डिम्पा जी, हाइबी ईडन जी, हम सब आपके बीच में उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री पद पर बैठे, प्रधानमंत्री के उच्च पद पर बैठे व्यक्ति को झूठ बोलने, देश को बरगलाने से परहेज करना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य निंदनीय भी है और प्रधानमंत्री के लिए अशोभनीय भी, पर दुर्भाग्य से ये कहना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी देश को झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी झूठे हैं, किसान विरोधी हैं, खेत मजदूर विरोधी हैं, खेत खलिहान पर आक्रमण बोल रहे हैं, खेती पर अतिक्रमण बोल रहे हैं। एक तरफ कोरोना महामारी की मार, दूसरी तरफ चीन से आमना सामना किए हमारी सेना बहादुरी से खड़ी है और मोदी सरकार देश के किसान पर हमला बोल रही है। आज बिहार में, आज प्रधानमंत्री ऑफिस ने, आज प्रधानमंत्री ने बार बार देश को बरगलाने के लिए ये कहा कि किसान विरोधी तीनों कानून किसान के पक्षधर कानून हैं। मोदी जी, पांच सीधे सवालों का जवाब देश को और देश के किसान को दे दीजिए। नरेंद्र मोदी सरकार किसान का न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करने का षड्यंत्र कानून के माध्यम से क्यों कर रही है? मोदी जी और उनके मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी दोनों ही जो खेती नहीं करते, दोनों के नाम एक इंच खेती की जमीन नहीं, वो हमें और देश के किसान को पाठ पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। मोदी जी ये बताइए, न्यूनतम समर्थन मूल्य या MSP कैसे देंगे और कहाँ देंगे? क्योंकि मंडियाँ तो खत्म हो जाएंगी, मंडियों में तो किसान की उपज आएगी नहीं, तो MSP कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा? मोदी जी ये जवाब दीजिए, MSP किसको देंगे और कौन देगा? क्योंकि आप तो कहते हैं कि किसान जाकर बड़े बड़े उद्योगपतियों के गोदाम में अपनी फसल बेचेगा या उसके खेत में फसल बिकेगी, तो क्या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 62 करोड़ किसानों के खेत में जाएगी MSP देने के लिए? तो कौन देगा और कैसे देगा? दूसरा सवाल, मोदी जी क्या आप जानते हैं, आप कहते हैं कि किसान अपनी फसल देश में कहीं भी बेच सकता है, आपने बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है, पर किसान तो पहले भी देश में कहीं भी बेच सकता है, पर क्या आप जानते हैं कि कृषि सेंसस 2015-16 के मुताबिक 86.2% किसान 5 एकड़ भूमि का मालिक भी नहीं, उससे कम का है, और देश का 60% किसान 2 एकड़ भूमि का मालिक है। उस 2 एकड़ भूमि के मालिक किसान के पास तो गांव से APMC की मंडी तक जाने का बस का किराया भी नहीं, जिसके पास बस का किराया भी नहीं, वो पंजाब से मद्रास और मद्रास से कलकत्ता अपनी फसल कैसे ले जाकर बेचकर आएगा? क्या ये देश को बताएंगे? तीसरी बात, आप कहते हैं कि मैंने किसान को आजाद कर दिया, वो अपनी फसल किसी को भी बेचे। किसान को तो आज भी SDM और कलेक्टर के दफ्तर में कोई घुसने नहीं देता, पुलिस की चौकी में कोई घुसने नहीं देता, वो किसान बड़े बड़े उद्योगपतियों के सामने खड़ा होकर वकील करके 2 एकड़ का किसान, 3 और 4 एकड़ का किसान जो इस देश में है, वो SDM और कलेक्टर के सामने, बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने किस प्रकार से खड़ा हो पाएगा? आप कहते हैं कि मंडी के आड़ती, मंडी का व्यापारी बिचौलिया है, उसे खत्म करना है। क्या आप जानते हैं मोदी जी, जब आप मंडी में फसल लेकर जाते हैं, APMC में फसल लेकर जाते हैं, तो किसान की सामूहिक ताकत और संगठन के आधार पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर उसकी फसल के मूल्य का निर्धारण होता है।
यही उसकी ताकत है। पर जब आप मंडी ही तोड़ देंगे, जब APMC एक्ट ही तोड़ देंगे, जब उसको अपनी फसल अपने खेत में बेचनी पड़ेगी, तो 15.5 करोड़ किसान या कुल 62 करोड़ देश का किसान और खेत मजदूर अपनी अपने अपने खेत में 2-2 एकड़ के लिए सामूहिक संगठन बनाकर रेट का निर्धारण कैसे करेगा? और उन करोड़ों मजदूरों का क्या होगा जो मंडियों में काम करते हैं? उन लाखों करोड़ों ट्रांसपोर्टर्स का क्या होगा, मुनीमों का क्या होगा, गरीबों का क्या होगा जो फसल को छानते हैं, साफ करते हैं और फिर FCI को बेचते हैं? क्या आपने इस बात के बारे में सोचा? और प्रांतों की आय वो मार्केट कमेटी की फीस से होती है, ग्रामीण विकास फंड से होती है, उससे गांव की सड़कें बनती हैं। कल भी हमने बताया कि अकेले पंजाब में 70,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हमने मार्केट फीस से बनाई। जब ये पैसा ही खत्म हो जाएगा तो गांव का विकास कौन और कैसे करेगा? दोस्तों, सच्चाई ये है कि खेती खाएं, किसान को सताएं, मजदूर को रुलाएं, पूंजीपतियों को पैसा कमाएं तो नरेंद्र मोदी कहलाएं। मोदी जी, आप मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ खेती और किसानी को गिरवी रखना चाहते हैं, ये नामंजूर है। और एक आखिरी बात और कहेंगे, कुरुक्षेत्र के युद्ध में इस धर्म युद्ध में सेनाएं आमने सामने खड़ी है। कौरव नरेंद्र मोदी सरकार है, पांडव इस देश का किसान और खेत मजदूर है। कांग्रेस उस किसान के साथ पांडवों के पाले में खड़ी है। आदरणीय साथियों, हम मोदी जी को ये भी कहेंगे कि महाभारत के युद्ध में दोनों तरफ सेनाएं अब खड़ी हैं और बिसात बिछ चुकी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो कौरव हैं, इस देश के किसानों के विरोधी, और दूसरी तरफ किसान और खेत मजदूर पांडव खड़े हैं। कांग्रेस पांडवों के पाले में खड़ी है। अब केवल भारतीय जनता पार्टी को नहीं, अब सत्ता की चाशनी और मलाई खा रहे हर राजनीतिक दल को निर्णय लेना पड़ेगा। नीतीश बाबू, जनता दल को ये निर्णय करना पड़ेगा, वो कौरवों के पाले में मोदी जी के साथ खड़े होंगे किसान के विरोध में या किसान के पक्ष में। अकाली दल बादल को भी ये निर्णय करना पड़ेगा कि वो कौरवों के साथ हैं या किसान के साथ हैं। उनके साथ साथ TRS को भी ये फैसला करना पड़ेगा, AIADMK को भी ये फैसला करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी JJP को भी ये फैसला करना पड़ेगा, YSR कांग्रेस को भी ये फैसला करना पड़ेगा, इस देश के हर राजनीतिक दल को अब ये फैसला करना पड़ेगा कि वो किसान विरोधी मोदी सरकार कौरवों के साथ खड़े हैं या वो पांडवों के साथ देश के किसानों के पाले में खड़े होने को तैयार हैं। ये निर्णय अब सबसे आवश्यक है। सत्ता की मलाई और चाशनी बहुत खाली, अब देश के किसान और मजदूर के पक्ष में खड़े होने का समय है और यही वक्त की मांग भी है। इससे पहले कि हम आपके सवाल लें, मैं लोकसभा में डिप्टी लीडर गौरव गोगोई जी को कहूंगा कि वो अपनी बात जोड़ेंगे और फिर अंत में हम आपके सवालों का जवाब लेंगे। धन्यवाद रणदीप जी। मैं संक्षेप में कहूंगा, पिछले दिन प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन, लेकिन उनके जन्मदिन के जश्न में भारत का किसान शामिल नहीं था। उनके जन्मदिन के जश्न में भारत का वो बड़ा बड़ा उद्योगपति जो किसी क्षेत्र में घुसकर अपना मुनाफा कमाना चाहता है, उनके लिए कल का दिन जश्न का दिन था। लेकिन वो पंजाब और हरियाणा का किसान जिसने पिछले 3-4 महीनों में देश को अनाज दिया, हमारे भूखे श्रमिकों को खाना दिया, कल का दिन उनके लिए काला दिन साबित हुआ। अफसोस की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अब जिस कृषि क्षेत्र के बिल पर आप भाषण दे रहे थे, कल जब बिल सदन में था तो आप सदन में अनुपस्थित थे। सदन में तर्क के साथ लोगों को समझा पाते कि क्यों ये बिल किसानों के हित में है, इतना साहस आप में नहीं था। एक
राजनीतिक दल के एक चुनावी मंशा के साथ भाषण देना तो आसान है। भाषण तो आपने काफ़ी दिए, सपने तो आपने काफ़ी दिखाए, 15 लाख, 2 करोड़ नौकरी, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट इंडिया, गेट अप इंडिया, इन भाषणों और झूठे सपनों की तालिका बहुत लंबी है और भारत के लोग भी पहचान चुके हैं। अफसोस की बात यह है कि आप जिस बिहार में जाके आज अपने चुनावी भाषण दी, उस बिहार में एपीएमसी एक्ट अबॉलिश हुआ। अब वहां पे बताइए कि बिहार में जब एपीएमसी एक्ट खत्म हुआ तो बिहार के किसान को कितनी पीड़ा हुई, क्या इसका अंदाजा है आपको? देश के विभिन्न संगठन, किसान संगठन, अकाडमिया के विभिन्न प्रतिनिधि सभी कहते हैं कि बिहार एक ऐसा उदाहरण है कि आप ये मत समझिए कि एपीएमसी को खत्म करने से किसानों के दिन अच्छे होंगे। नहीं, किसानों के दिन और खराब हुए हैं। अगर किसान कहीं सुरक्षित अपने आप को महसूस करता है तो पंजाब जैसे राज्य में, जहां पे हमारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनको आशा की किरण दिखाई। इसीलिए मैं कल भी मैंने ये बात रखी थी कि भाजपा और मोदी जी के बातें ये जैसे मकड़ी की जाल है वैसे हैं। सुनने में तो अच्छे, लेकिन आप जब करीब जाते हो तो उस मकड़ी के जाल में फंसकर आपका घर नष्ट हो जाता है। यही हुआ डिमोनेटाइजेशन में, यही हुआ लॉकडाउन में, यही हुआ जब जिस तरीके से जीएसटी की प्रक्रिया पूरे देश में लगाई। तो मोदी जी के भाषणों में ना विश्वास सुनाई देता है, ना विकास दिखाई देता है, सिर्फ दिखाई देता है तो उद्योगपति के चेहरों की मुस्कान। धन्यवाद। पिछले 6 सालों में प्रधानमंत्री के कार्यकाल अगर आप देखेंगे तो ना किसान की कर्जा मुक्ति हुई, ना किसान को कर्जा मिला, ना किसान के दाम को, किसान का जो उपज है उसको अच्छा दाम मिला। पूरी तरह से जो प्रधानमंत्री फसल बीमा थी वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में दी गई और पूरी तरह से उसमें सौदेबाजी रही। पिछले 6 साल में इस सरकार के कार्यकाल में किसान परेशान रहा, दुखी रहा। कल 17 सितंबर हम हैदराबाद मुक्ति संग्राम दिन के रूप में मनाते हैं, लेकिन जहां मैं मराठवाड़े से आता हूं, हैदराबाद मुक्ति संग्राम की हम बात करते हैं, वही कल किसान के लिए एक बंदी दिन के रूप में कल का दिन याद रखा जाएगा। क्योंकि किसान को सही मायने में जो थोड़ा बहुत किसान कमा पाता था वो ख़त्म करने की बात इस सरकार द्वारा आई है। इस सरकार ने पहले ही एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन किया, पोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन किया, अभी किसान का जो मार्केट है उसका भी प्राइवेटाइजेशन करने की दिशा में ये सरकार जा रही है। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को, प्राइवेट प्लेयर्स को ये देकर जो छोटा किसान है, जो 90% की आबादी में है, उसको ख़त्म करने के दिशा में इस सरकार की ये साजिश है और उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ताकत से खड़ी रहेगी। पिछले कई दिनों से हम प्याज के बारे में कह रहे हैं, महाराष्ट्र की भाजपा भी कह रही है कि प्याज का जो एक्सपोर्ट का बैन है वो उठाइए। क्यों मोदी सरकार सुनना नहीं चाह रही है? क्यों उसके बारे में पहल नहीं कर रही है? क्यों 3 महीने पहले दूध की जो पाउडर है उसका इम्पोर्ट करने का डिसीजन लिया गया, जब देश में इतनी दूध की पाउडर है फिर भी आप इम्पोर्ट कर रहे हो? आपकी पूरी नीति इस सरकार की किसान के खिलाफ की है और किसान को ख़त्म करने की ये साजिश के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठाएगी। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो? आदरणीय मित्र, मेरी संजय राव जी से इस बारे में चर्चा हुई है और आप उनसे बात कर सकते हैं। किसान के पक्ष में हमारे मित्र दल खड़े हैं। ये सवाल अब दलों का भी नहीं रहा, ये सवाल अब इस देश में रोटी रोजी खेत खलिहान की आजीविका का है। प्रधानमंत्री मोदी हमलावर हैं इस देश के खेत और खलिहान पर, और दूसरी तरफ किसान और खेत मजदूर और कांग्रेस और उसके साथी खड़े हैं।
जैसे भूमि अध्यादेश मोदी जी लेकर आए और राहुल गांधी जी के संघर्ष ने, कांग्रेस के संघर्ष ने उन्हें झुकाया, इन काले कानूनों को भी हम वापस करवा कर दम लेंगे, ये हमारा संकल्प है। आपकी बात बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री देश को बरगला रहे हैं, प्रधानमंत्री देश को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री देश को झूठ बोल रहे हैं। बड़े दुख से हमको ये कहना पड़ता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठे हैं, किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं। ये तीनों काले कानून इस देश की खेती को पूंजीपतियों की द्योड़ी पर गिरवी रखने का भाजपाई षड्यंत्र है, न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करने का षड्यंत्र है, मंडियों को जहां किसान को उपज की कीमत मिलती है उन्हें खत्म करने का षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने, बरगलाने, बहकाने और भटकाने की गंदी आदत पड़ गई है। झूठ बोलना, भटकाना और बरगलाना ही भाजपाई चरित्र है। आदरणीय मित्रों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र निकालकर अवश्य देखें, उसकी एक प्रतिलिपि मैं लेकर भी आया हूं। ये है वो कांग्रेस का घोषणा पत्र जो राहुल जी के नेतृत्व में हमने बनाया था। इसकी पहली लाइन ये है, सब कुछ इंतजार कर सकता है खेती नहीं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ये भी है अगली लाइन में लिखा कि किसान को कर्ज के बोझ के नीचे दबा दिया गया है, और हमने स्पष्ट तौर से कहा हमारे तीन प्रांतों में कर्ज माफी हुई, पर अब कर्ज माफी नहीं, किसान को कर्ज मुक्ति होगी। ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है कि जो छोटा किसान है, मार्जिनल फार्मर और भूमिहीन मजदूर, उसके लिए एक विशेष कमीशन बनेगा, एक स्टैंडिंग कमीशन, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर डेवलपमेंट बनेगा। वो फसल बीमा योजना जिसकी चर्चा राजीव सातव जी ने की, उस पर पुनर्विचार करके उसे किसान पक्षधर बनाया जाएगा। किसान की खाद पर, किसान की बीज पर, किसान की कीटनाशक दवाई और डीजल पर कांग्रेस की सरकार सब्सिडी देगी। एक किसान बजट जिसका वादा राहुल गांधी जी ने किया था, कांग्रेस लेकर आएगी, और हम हजारों फार्मर मार्केट, किसान मार्केट बनाएंगे। एपीएमसी का सुधार फार्मर मार्केट है, क्योंकि एपीएमसी का दायरा 60, 70, 80 किलोमीटर है, किसान को 60 किलोमीटर जाने में भी दिक्कत है। हमने इसलिए बिंदु नंबर 12 में कहा कि हम 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के ऊपर हजारों किसान मार्केट बनाएंगे। ये एपीएमसी का सुधार है, ये कांग्रेस ने वादा किया था। इसलिए झूठे भाजपाइयों, अब तो बरगलाने से और भटकाने से देश को बाज आ जाओ, क्योंकि सात पुश्तें भाजपाइयों की, उन्हें इस किसान का विरोध भुगतना पड़ेगा जो आपने किया है। इतना बड़ा कदम उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर उठाया, क्या आपसे उन्होंने मुद्दा छीन लिया? और आपके प्रदेश यहाँ पे दुष्यंत चौटाला अभी डिप्टी सीएम है, क्या आप उनसे मांग करेंगे कि अपना स्टैंड साफ करें और इस्तीफा दे सरकार? आदरणीय मित्र, हरसिमरत कौर बादल जी क्या जवाब देंगी कि जून से आज तक वो चुप्पी क्यों साधे थी? दिखावे और प्रपंच से कुछ नहीं चलेगा। जब ये तीनों काले कानून मंत्रिमंडल में आए थे तो हरसिमरत कौर जी ने उसमें सहमति क्यों जताई थी? क्या इसका जवाब अकाली दल बादल के पास है? आज जब यह लगा कि पंजाब में कदम रखना मुश्किल हो जाएगा और सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा, तो आपने गुपचुप तरीके से अपनी खाल बचाने के लिए इस्तीफा दे दिया। पर क्या हम पूछ सकते हैं कि सरदार सुखबीर सिंह बादल और माननीय हरसिमरत बादल जी बीजेपी और अकाली दल की सांझे उम्मीदवार के तौर पर संसद में चुनकर आए हैं, अगर वो किसान पक्षधर हैं तो दोनों सबसे पहले अपने संसदीय पद से इस्तीफा दें? और आज भी अकाली दल बादल क्यों पक्षधर बना बैठा है सरकार का? मोदी जी की गोदी में क्यों बैठा है? एनडीए के अंदर क्यों है?
वो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं लेते? और पड़ोस में दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री के पद का आनंद उठा रहे हैं, वो घोर पाप कर रहे हैं, ऐसा पाप कर रहे हैं जिसके लिए उनसे उन्हें हरियाणा का किसान कभी माफ नहीं करेगा। वो सत्ता का आनंद लेना छोड़कर, मनोहर लाल खट्टर की गोदी में बैठना छोड़कर, भाजपा के तलवे चाटना छोड़कर, भाजपा का पिछलगू बनना छोड़कर बाहर आए और किसान के साथ किसान की लड़ाई में खड़े हों, वरना जजप्पा का नामो निशान हरियाणा से मिट जाएगा। वो जनता दल बिहार के अंदर हो, वो वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश के अंदर हो, वो टीआरएस हो, वो बीजू जनता दल हो, वो अकाली दल बादल हो, वो जेजेपी हो, इन्हें सत्ता की मलाई खाने वाले इन सब राजनीतिक दलों को अब निर्णय करना पड़ेगा कि महाभारत की लड़ाई में वो मोदी सरकार के कौरवों के साथ खड़े हैं या पांडवों के साथ, धर्म और न्याय और नीति के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सर। एक सवाल है कि बिहार में कृषि प्रदेश है, वहाँ चुनाव होने वाला है, ऐसे वक्त में ये विधेयक पारित हुआ है, तो बिहार के अलावा पूरे देश भर में आपकी पार्टी और तमाम आप जिन सहयोगी पार्टियों की बात कर रहे हैं, वो अगर वो आपके साथ हैं, तो आने वाले दिनों में रणनीति क्या होगी बिहार में भी और देश भर में? देखिए, कहीं ना कहीं किसान विरोधी इन कानूनों के सूत्रधार नीतीश कुमार और वहाँ वाले छोटे मोदी जी हैं, सुशील मोदी जी। 2006-07 में इस षड्यंत्र का की शुरुआत करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में छोटे मोदी जी और नीतीश बाबू ने ये काला कानून बिहार में लागू किया था। आज बिहार का किसान, जैसा गौरव गोगोई जी ने तफसील से बताया, दर दर की ठोकरें खा रहा है। संसद से संघर्ष, संसद से सड़क तक कांग्रेस पार्टी संघर्ष को लेकर संकल्पबद्ध है। इस बात को सुनिश्चित रहिए, हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, पर किसानों के ऊपर इस काले कानून का साया पड़ने से जहां तक, जब तक आखिरी कतरा हमारे अंदर खून का है, हम इसके लिए राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज